खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर पड़ोसी पर घर में आग लगाने का आरोप लगाया। पड़ोसी से चल रहे विवाद में पड़ोसी इरशाद अहमद ने अपने पड़ोसी शोएब पर घर में आग लगाने के आरोप लगाए हैं। बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र के गांव महेशपुर के रहने वाले इरशाद के घर में रात 12 बजे अचानक आग लग गई थी। इरशाद की पत्नी नरगिस ने अपने पड़ोसी शोएब और शोएब की मां तमन्ना पर आग लगाने के आरोप लगाए। नरगिस ने बताया कि लगभग 20,000 रुपए का सामान और 7,000 रुपए नकद जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि नरगिस का झगड़ा पड़ोस में रहने वाली तमन्ना से चल रहा है। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नरगिस। कहाँ रहती हैं आप? मैसूर। क्या बजे है आज? बजे जो है लड़ाई हुई थी मेरी 3 महीने पहले। किससे? शोएब नाम के लड़के, तमन्ना है माँ का नाम जी। उसने रंजिश करी है, हर वक्त गाली देती है मुझे बहुत, कि कहा था आग लगवा दूंगी, जे करूंगी वो करूंगी, इसे रहने नहीं दूंगी यहाँ पर। आग कितने बजे लगी? 12:15 रात के। 12:15? हाँ, मेरी आँख खुली थी तो कहा था लपटा चल रही थी मेरे घर में। कितने का सामान जल गया वो? सामान मेरा कम से कम 20,000 का जल चुका है। और पैसे कितने? 7,000। 7,000? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? अब मैं जो चाहती हूँ कुछ कार्रवाई हो, उन्हें पकड़ाई हो भैया। तो आपने पुलिस को तहरीर नहीं दी? दी थी तहरीर मैंने उसे, तो पुलिस वाले जो कह रहे हैं वो लड़का है ही नहीं यहाँ पर। तो आपने क्या कहा पुलिस वालों से? मैंने जो कहा था लड़का था ऐसे समझ लिया, उस बारे में नहीं पता कि उनने पैसे भरे क्या करा है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही? कोई नहीं कर रही है कार्रवाई। हाँ, अब मेरी कार्रवाई होना चाहिए, बस मैं जे चाह रही हूँ। इरशाद अहमद। कहाँ रहते हैं आप? महेशपुर। क्या बजे है ये जी? बजे क्या है? आग लग गई थी सर 12:15। कैसे लगी? ये लगाई गई है सर। किसने लगाई? किसी पे? सर हाँ, पड़ोसी है हमारे। कौन है? एक शोएब है।